अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन, बस चंद कदमों के फासले पर। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है। पाकिस्तान आर्मी की ओर से बंदी बनाए गए भारत विंग कमांडर अभिनंदन की आज वतन वापसी होगी। अमेरिका समेत कई देशों के दबाव और भारत के आक्रामक रूप के बाद पाकिस्तान ने यह फैसला लिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के इस फैसले का स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान से अच्छी खबर आ रही है। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने भारत से एक बार फिर सबूत मांगा है। उनका कहना है कि अगर भारत ठोस सबूत देता है तो हम बेहद बीमार मसूद अजहर को गिरफ्तार करेंगे। अटारी बॉर्डर से पायलट अभिनंदन की होगी वतन वापसी। पाकिस्तान में पराक्रम दिखाकर वतन वापस लौटे विंग कमांडर अभिनंदन। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है। पाकिस्तान आर्मी की ओर से बंदी बनाए गए भारत विंग कमांडर अभिनंदन की आज वतन वापसी होगी। अमेरिका समेत कई देशों के दबाव और भारत के आक्रामक रूख के बाद पाकिस्तान ने यह फैसला लिया। अमेरिका ने पाकिस्तान के इस फैसले का स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान से अच्छी खबर आ रही है। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने भारत से एक बार फिर सबूत मांगा है। उनका कहना है कि अगर भारत ठोस सबूत देता है तो हम बेहद बीमार मसूद अजहर को गिरफ्तार करेंगे। आज पाकिस्तान से वापस लौटेंगे विंग कमांडर अभिनंदन। कुछ ही पलों में विंग कमांडर अभिनंदन लौटेंगे भारत पर। अटारी बॉर्डर से पायलट अभिनंदन की होगी वतन वापसी। अटारी बॉर्डर पर एयर वाइस मार्शल रवि कपूर विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी के बाद मीडिया को संबोधित करेंगे। जश्न के बीच अभिनंदन का स्वागत। अटारी बॉर्डर पर विंग कमांडर अभिनंदन के इंतजार के बीच में लोगों में जश्न का माहौल है। हिमाचल प्रदेश भटिंडा से पहुंचे लोग देशभक्ति के गानों पर थिरक रहे हैं और अभिनंदन का इंतजार कर रहे हैं। अभिनंदन 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 विंग कमांडर अभिनंदन। भारत उच्चायोग के अधिकारी वाघा बॉर्डर पहुंचे। भारतीय उच्चायोग के अधिकारी अभी अभी अटारी बॉर्डर पहुंचे हैं। भारतीय उच्चायोग के अधिकारी इस्लामाबाद से ही सारी कागजी प्रक्रिया पर नज़र रखे हुए हैं।